तो आज करेंगे वोल्टास टू-टर्न एसी का सर्विसिंग, जो कि हमारा ये देख सकते हो किस प्रकार का है, और दो टर्न का एसी है, इसका सर्विसिंग करेंगे। पूरा वीडियो पे आप बने रहे ताकि आपको नॉलेज पूरा मिले कि सर्विसिंग विंडो एसी का किस किस प्रकार का होता है। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एसी है और इसमें काफ़ी गंदगी हो चुका है, तो चलिए वीडियो। तो विंडो एसी का सर्विसिंग काफ़ी प्रकार से होता है, तो पहले इसका ग्रिल को खोल लेते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को घंटी को दबा दे, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मेरे चैनल पे आता ही रहता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर बेल आइकन का घंटी को आप सब्सक्राइब करने के बाद में प्रेस करते हैं और ऑल का नोटिफिकेशन आप सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का विंडो एसी होता है और ये टू टर्न का है। तो इसका ग्रिल को खोल लेते हैं। ग्रिल आप खोलने के लिए साइड से स्क्रू ड्राइवर लगा के खोल सकते हैं, स्क्रू भी इसमें लगा होता है एक दो ठो, तो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, डायरेक्ट लॉक फंसा हुआ था। इसको हम लोग खोल लिए और यहाँ पे स्टेबलाइजर को खोल लेंगे। स्टेबलाइजर खोल के इसका वायर को निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा विंडो एसी ही निकल जाएगा। आप वीडियो पर बने रहे, काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और विंडो एसी काफ़ी प्रकार से सर्विस होता है, तो चलिए आपको एक प्रकार आज हम भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से सर्विस करना है। और ये इलेक्ट्रो का स्टेबलाइजर है। इलेक्ट्रो का स्टेबलाइजर में खूबी ये है कि कंप्लेन ना के बराबर आता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। जब भी आपको विंडो एसी या कोई भी एसी के लिए स्टेबलाइजर लेना हो, तो आप इलेक्ट्रो का स्टेबलाइजर एकदम आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से परचेस करें, आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो इसका नाइन लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग को खोल लेते हैं। तो खुल गया हमारा स्टेबलाइजर से तार, अब हमें विंडो एसी को बाहर की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप एक हाथ को इधर डालें और एक हाथ को लेफ्ट साइड में रखें और इसको अपने ओर खींचे। जैसे खींचेंगे आता ही चला जाएगा, पूरा एक बार में नहीं खींचना है, नहीं तो मशीन नीचे गिर जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप सर्विसिंग कर रहे हो, विंडो एसी निकाल रहे हो, तो इसको धीरे करके एकदम टांते रहें। उसके बाद में फिर दो आदमी मिलके इसको पकड़ ले, अभी तो एक जगह स्पेस कम है। तो हमने विंडो एसी को पूरा बाहर निकाल लिया है और डिस्प्ले को इसका खोल लेंगे, क्योंकि हमें ग्रिल को भी वॉश करना है, तो डिस्प्ले को पहले खोल के निकाल लेंगे, नहीं तो पानी फिर अगर इसमें आ जाता है तो फिर डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। अगर बाय द वे आपसे कभी पानी डिस्प्ले के अंदर गिर जाता है, तो इसको क्या करें कि सुखा दे, इसको बढ़िया से ड्राई कर दे, पूरा ड्राई करने के बाद में लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो आप बिना ड्राई किए हुए अगर इसको डिस्प्ले को ऑन कर देते हैं, तो आपका क्या होगा कि आईसी शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो जहाँ पर सर्किट है, इसके नीचे ही यहाँ पर सर्किट है, तो इसके नीचे कोई चीज़ लगा ले, जैसे कि ईंट लगा ले, नहीं तो कोई भी ऐसा चीज़ आप लगा ले, थोड़ा सा इस साइड को ऊंचा कर ले, ताकि पानी आप उधर डालेंगे तो वो पानी आपका डिस्प्ले जो सर्किट है अंदर में, पीसीबी सर्किट है, उसमें ना गिरे। तो ध्यान रखें, विंडो एसी जब भी आप वॉश करते हो, तो आप वहाँ पर कोई सामान लगा ले, एक साइड जहाँ पर सर्किट रहता है, पीसीबी रहता है, उसको थोड़ा सा उस साइड को उठा ले, ताकि इस साइड पानी बिल्कुल ना आए। देख सकते हो पूरा यहाँ पे डिटेल से इसका मॉडल नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो कितना इसमें गंदगी भरा हुआ है, इसको बढ़िया से साफ़ा कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और विंडो एसी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए अगर आप कस्टमर है तो, क्योंकि इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो देख लिया हमने यहाँ पर हथौड़ी को लगा दिया, ताकि इधर से उठा रहे, तो इस तरह से। उसके बाद में हम लगा लेंगे इसमें मोटर के लिए प्लास्टिक यूज़ करेंगे, प्लास्टिक से ढक देंगे, नहीं तो मोटर में पानी गिरेगा तो मोटर जल जाएगा, तो इसलिए मोटर को प्लास्टिक से आप ढक ले, कुछ ये नहीं है प्लास्टिक को। और ध्यान रहे कि आप फिर बाद में प्लास्टिक को निकाल ले, नहीं तो बाद में फैन ब्लेड में फंस के फैन ब्लेड ये हो जाएगा, या तो टूट जाएगा, नहीं तो मोटर जाम हो जाता है। उसके बाद में पहले कूलिंग कॉइल को भिगो लेंगे, देख सकते हो इस प्रकार से आप भिगो ले। आप चाहे तो ये जो ऊपर का जो ढक्कन दिख रहा है, इसको आप खोल सकते हैं, इसमें 8-10 स्क्रू रहता है, खोल सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदगी होता है, अगर कंडेंसिंग कॉइल में ज़्यादा गंदगी फंसा हुआ है, तो आप इस कवर के ऊपर का ढक्कन को खोल लेंगे, तो बिल्कुल ही ये खुल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा आसान होता है आपको काम करना, सफ़ा करना, ब्रश मारना इसमें आसान हो जाता है। और अगर आपको विंडो एसी के बारे में जानना है, तो एक हम वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगा।
तो इसका कंडेंसिंग कॉइल को ऊपर का बॉडी वगैरह सबको भिगो लेते हैं, उसके बाद में सर्फ लेकर ब्रश से मार देंगे, पूरा क्लिंक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह सर्विसिंग करें, अगर ढक्कन खोलना चाहते हैं तो आप खोल लें, अगर ज़्यादा गंदा है तो, नहीं गंदा है तो आप नहीं खोले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, आपको हाथ ज़्यादा अंदर तक घुसा के ब्रश मारना होगा, लेकिन कंडेंसिंग कॉइल को देख ले कि कितना गंदगी है। मेन इसका क्लिंक करना है कंडेंसिंग कॉइल, इधर से आपको बिल्कुल सफ़ा दिख रहा होगा लेकिन अंदर के तरफ से गंदगी रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, विंडो एसी का कंडेंसिंग कॉइल काफ़ी गंदा रहता है अंदर के तरफ से, और इसमें पानी लगता रहता है इसलिए जंग लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो विंडो एसी का, अगर आपके पास है विंडो एसी तो सर्विसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, चाहे कोई भी एसी हो, जितना आप ज़्यादा सर्विसिंग करवाएंगे उतना उसका ज़्यादा दिन तक लाइफ रहेगा और आपका बिजली बिल काफ़ी कम आएगा। तो आप भी अगर किसी कस्टमर का सर्विस करते हैं तो उसको बोले, समझाए कि सर्विस करना चाहिए, ये सब चीज़ दिखाए कि आप नहीं सर्विस करवाते तो इस तरह जंग लग जाएगा, एसी ख़राब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कस्टमर का पैसा भी बचेगा। तो ज़्यादातर वीडियो में मैं बताता ही रहता हूँ कि सर्विसिंग करवाना चाहिए, सर्विसिंग कराना चाहिए, उससे क्या होगा, बहुत एसी का लाइफ बढ़ जाता है। तो इसको बढ़िया से फैन ब्लेड वगैरह सब चीज़ सफ़ा कर लेंगे, देख सकते हो कितना गंदगी भरा हुआ है। और मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो है अनबॉक्सिंग से लेकर हर चीज़ का, तो आप उसे भी देख सकते हो, देख सकते हो अभी धोने के बाद में कितना क्लीन हो गया पूरा एकदम, लेकिन फिर भी पीला पीला दिख रहा है। ये और एक दो बार सर्विसिंग होगा, जल्द टाइम टाइम पे सर्विस हो जाएगा तो पूरा ये फिर से अपना कलर में आ जाएगा, नहीं तो ये अगर टाइम पर नहीं होगा तो फिर से ये जंग लग जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से वॉश कर दे, एकदम क्लीन कर दे, ग्रिल को भी सफ़ा कर देते हैं हम, ग्रिल का डिस्प्ले निकल गया है तो इसको भी आप सफ़ा कर सकते हैं। उसके बाद में बढ़िया से सूखा कपड़ा लेकर सुखा कर उसके बाद में बस फिटिंग कर देते, देख सकते हैं हमने एसी को फिटिंग कर लिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को घंटे को जरूर दबाएं। तो अभी हमारा एसी हो गया पूरा ओके, देख सकते हो चल रहा है, उसका टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर लेते हैं। स्टेबलाइजर यहाँ पे है जो कि इलेक्ट्रो का स्टेबलाइजर है, और ये स्टेबलाइजर काफ़ी अच्छा है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इलेक्ट्रो का स्टेबलाइजर चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरा लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। वोल्टास टूटन एसी है, इसका स्विंग को ऑन कर लेते हैं, स्विंग ऑन हो गया अपना, ये रहा देख सकते हो, और कंप्रेसर चल गया, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है वोल्टास का विंडो एसी। यहाँ पे एक लोगो रहता है वोल्टास का,